Call is now being recorded. All right, so let me start the screen share. Okay, so we have discussed everything in terms of the contraceptives. कल की क्लास में आपको याद होगा कि हमने कॉन्ट्रासेप्टिव्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को लेकर हमने यहाँ पे काफी सेमिनार में डिस्कस की थी. हमने बोला था दैट हाउ दे आर गोइंग टू बी यूज्ड, राइट. इनका हमने साइकिल भी देख लिया था दैट वी हैव टू टेक देम फॉर 21 डेज एंड देन 7 डेज का गैप एंड देन अगेन द सेम साइकिल हैज टू बी रिपीटेड. याद रखना दे आर गोइंग टू अवॉइड द ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन, इनकी वजह से नहीं हो पाता. सो दे आर बेसिकली गोइंग टू इनहिबिट द ओवुलेशन एंड द इम्प्लांटेशन. ठीक है, तो ये हमने देखा था. Then we have seen यहाँ पे उनको किस तरीके से इनको रेगुलेट लिया जाता है इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को. देन सहेली की बात की गई थी. किसको याद है सहेली कौन से शहर के कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर बनाया गया था? एनीवन बता दो. म्यूट करके CDRI लखनऊ. बहुत बढ़िया, राइट. CDRI लखनऊ में आपकी सहेली एज अ नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन आपके यहाँ पे बनाया गया था, राइट. दैट्स ट्रू. CDRI लखनऊ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपके ये बनाया गया था. इम्प्लांट्स के बारे में बात किया था हमने, जिसका एक सिलेक्टिव एडवांटेज होता है कि एक बार आपने इंसर्ट कर दिया देन फॉर सेवरल मंथ्स यू डोंट हैव टू लाइक वरी अबाउट टेकिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव्स. सो दैट इज एडवांटेज. यहाँ पे इसका एक एडवांटेज यहाँ पे हुआ करता था, राइट. इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बात की थी. जनरली राइट आफ्टर द सेक्सुअल असॉल्ट और रेप और अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर्स के बाद जनरली ये कंज्यूम किया जाता है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, राइट. किसी ने पूछा था कि प्रोजेस्टेरोन जो आपका आ रहा है पिल्स के अंदर वो कैसे मदद कर रहा है टू अवॉइड इम्प्लांटेशन या फर्टिलाइजेशन जो या ओवुलेशन कैसे वो होने से रोक रहा है. तो हमने कल वो भी डिस्कस किया था कि प्रोजेस्टेरोन बेसिकली जाके इंटीरियर पार्ट को बोलता है कि आप LH और FSH रिलीज ना करें. और LH और FSH बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग के डेवलपमेंट के लिए या ओसाइट के डेवलपमेंट के लिए. इसको आप और अच्छे से इसके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप और आ जाएगी जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पोर्शन एक बार हम देख लेंगे, ठीक है. सो ये हमने कल डिस्कस किया था. Now let's talk about sterilization technique. अब sterilization जब भी आपके सामने टर्म आएगा, that is a surgical method. ये आपका एक surgical method है और surgical method के through आप permanently sterile हो सकते हो. Basically यहाँ पे होता क्या है, ये जो आपका technique है contraceptive का, अगर कोई person ये technique करता है, it is a surgical procedure, तो उसके बाद he cannot become fertile. So ये एक terminal तरीका है. So let's assume there is a couple और उन्होंने decide कर लिया that no longer they won't have any more kids. उनका decided है कि उनको और ज्यादा किड्स नहीं चाहिए, तो वो टाइम पे दे कैन गो फॉर दिस सर्जरी. सो दे कैन गो फॉर दिस सर्जिकल मेथड एंड उसके वजह से दे कैन लाइक अटेंड दिस स्टरलाइजेशन. तो जो सर्जिकल तरीका होता है इसको हम कहते हैं स्टरलाइजेशन. और ये मेल्स के अंदर भी हो सकता है, फीमेल्स के अंदर भी हो सकता है. तो चलिए इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं. सर्जिकल इंटरवेंशन बाय ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन. तो ये सर्जिकल मेथड होगा जिससे गैमेट का ट्रांसपोर्ट हम यहाँ पे ब्लॉक करेंगे एंड वी विल प्रिवेंट द कंसेप्शन भी आपके यहाँ पे प्रिवेंट कर लिया जाएगा, ओके. So, अब इसमें आपके दो टर्म्स आपको याद रखने हैं. एक होता है वासेक्टॉमी जो हमेशा आपका होगा मेल्स के अंदर एंड देन यू हैव समथिंग लाइक अ ट्यूबेक्टॉमी जो हमेशा होगा फीमेल्स के अंदर. तो इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पे किया क्या जा रहा है. तो जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं वासेक्टॉमी, आप जब कोई वासेक्टॉमी सर्जरी कर रहा होगा डॉक्टर, तो बेसिकली लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक ट्यूब है लंबी सी, जो आपको जो ट्यूब है ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दैट कॉल्ड एज अ वास डिफरेंस. ये लंबी सी ट्यूब आपके यहाँ पे दिख रही है, दिस ट्यूब ओवर हियर इज कॉल्ड एज द वास डिफरेंस. इसको हम बोलते हैं एज अ वास डेफरेंस, ठीक है. अब ये वास डेफरेंस जो आपके यहाँ पे ट्यूब है, ये जो लंबी सी पाइप है, इसको हम कट कर देंगे. इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे, उसे टाई कर देंगे. विल कट एंड टाई दिस पर्टिकुलर ट्यूब. सो इसको हमने यहाँ पे कट कर दिया और हमने इसको यहाँ पे टाई कर दिया. तो अगर इसको हमने यहाँ पे कट कर दिया, अगर इस चैनल को हमने यहाँ पे कट कर दिया, आप समझो इस बात को, ये लंबी सी मेरा पाइपलाइन था, इसको मैंने अगर बीच में से कट कर दिया, तो कोई चांस नहीं है कि मेल गैमेट आपके यूरेथ्रा तक पहुंचेंगे. बिकॉज दिस इज द यूरेथ्रा ओवर हियर, ये है आपका यहाँ पे यूरेथ्रा, और आपके मेल गैमेट्स कभी भी वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे. क्यों नहीं पहुंच पाएंगे, मेल गैमेट्स बनते हैं टेस्टिस के अंदर. मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन द टेस्टिस. अब टेस्टिस में जब यहाँ पे मेल गैमेट्स बनाए जाएंगे तो कभी भी आगे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे. सो दैट मीन्स वॉट, कोई चांस ही नहीं है, देयर इज अ चांस ऑफ एनी काइंड ऑफ कंसेप्शन का कोई चांस ही नहीं रहता यहाँ पे. सो मेल गैमेट्स कभी भी आपके यहाँ पे आगे पहुंच नहीं पाते एंड दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल. तो ये एक परमानेंट तरीका है जिसके थ्रू अ मेल कैन मेक श्योर दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग कंसीविंग द गर्ल, राइट, कंसीविंग द द पर्सन. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ये हो गया आपके यहाँ पे वासेक्टॉमी. सिमिलरली आपके यहाँ पे ट्यूबेक्टॉमी होता है.
अब ट्यूबेक्टोमी आप यहाँ पे क्या कट करके टाई कर रहे हो, यहाँ पे आप कट करके टाई कर रहे हो आप यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब। सो ट्यूबेक्टोमी के अंदर ये जो हमारी लंबी सी यहाँ पे ट्यूब है, दैट इज योर फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। सो फेलोपियन ट्यूब को हम यहाँ पे करेंगे कट और उसको हम यहाँ पे करेंगे टाई। तो हमने फेलोपियन ट्यूब को यहाँ पे कट करके उसे यहाँ पे टाई करना है और ये किया जाएगा फीमेल्स के अंदर। सो लेट्स से इफ अ गर्ल गोज फॉर अ ट्यूबेक्टोमी, देन डॉक्टर क्या करेगा, द फेलोपियन ट्यूब को कट करके यहाँ पे टाई कर देगा। तो अगर हम यहाँ पे कट कर देते हैं तो कोई चांस नहीं है कि यहाँ से जो ओवा निकलेगा, देखो ये है यहाँ पे ओवरी और ओवरी से ही आपका यहाँ से ओवा रिलीज होता है, ओवा बोलो या सेकेंडरी ओसाइट बोलो, राइट, यहाँ से आपका ओवा रिलीज होगा। तो जो ओवा यहाँ से रिलीज होगा ये ओवा कभी आपका पहुंच ही नहीं पाएगा आपके यूट्रस तक। ये ओवा समझो अगर यहाँ पे आ भी जाता है ना ट्यूब के अंदर तो आगे तो जा नहीं पाएगा वो, क्योंकि रास्ता बंद है, रास्ते आपने ब्रेक कर दिया वहां पे। सो दैट विल नेवर एबल टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। तो कोई चांस नहीं है कंसीव होने का, कोई यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपकी रहती नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी है नहीं कि कभी स्पर्म वहां पे आ सकता है, नहीं वो आपका आगे तक जा सकता है। ओके तो ये बात आपको याद रखनी है, दिस आर द मेथड थ्रू विच यू कैन अटेंड स्टरिलाइजेशन। फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर सकते हो फीमेल्स के अंदर, उसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी बिकॉज हम फेलोपियन ट्यूब को यहाँ पे कट कर रहे हैं। वासेक्टोमी, वास डिफरेंस जो आपका यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे कट करके टाई कर रहे हैं, इसको हमने कट करके यहाँ पे टाई कर दिया, देयर इज नो चांस कि यहाँ से आपके मेल गैमेट्स आपके आगे तक पहुंच पाएंगे। अब इतना जानने के बाद एक चीज याद रखना, अगर कोई पर्सन है जिसने वासेक्टोमी किया उसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन नॉर्मली होगा, ये बात याद रखना, स्पर्म फॉर्मेशन तो जैसे होता है वैसा ही होगा। सिमिलरली जो कोई फीमेल है जिसने ट्यूबेक्टोमी किया होगा तो उसके अंदर भी ओवा फॉर्मेशन तो होगा ही होगा, जो नॉर्मल ओवा फॉर्मेशन होता है वो आपका होगा ही होगा। बट बात यह कि ओवा कभी भी आपका आगे तक पहुंच नहीं सकता, कोई चांस नहीं कि ओवा अपने आपको फर्टिलाइज करा पाए किसी मेल गैमेट के साथ। सिमिलरली वासेक्टोमी के अंदर भी क्या होगा, अगर हम कट कर भी देते यहाँ से तो स्पर्म फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन आप सोचो ये जो स्पर्म्स यहाँ से निकलेंगे टेस्टिस में से, ये इसके आगे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, बाद में इनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन इसके बियॉन्ड तो लोग पहुंच ही पाएंगे। तो समझो अगर यहाँ तक पहुंच भी गए तभी कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि इसके आगे तो लोग जा ही नहीं रह पा रहे। तो इसलिए याद रखना, द स्पर्म विल नॉट रीच टू द यूरेथ्रा एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग कंसीव्ड। ओके सो याद रखना, गैमेट फॉर्मेशन तो नॉर्मली होगा ही, वो सब तो उन दोनों के अंदर होगा, बट द ओनली थिंग इज कि गैमेट बनने के बाद वो पहुंच नहीं पा रहे डेस्टिनेशन तक, इससे कंसीव होने के चांसेस होते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ वासेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी। तो ये दो चीज आपको यहाँ पे रखनी है, ट्यूबेक्टोमी एंड वासेक्टोमी। तो ये बात आप पहले यहाँ पे समझ लो। तो सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टरलाइजेशन भी से हम कहते हैं यहाँ पे, आर जनरली डिस एडवाइज फॉर द मेल और फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर। जैसे एक ये आखिरी तरीका है जिसके थ्रू लाइक यू कैन नॉट, लाइक यू आर श्योर कि यू डोंट वांट टू हैव एनी बेबीज इन फ्यूचर, तो आप ये कर लेते हो। याद रखना ये रिवर्स नहीं किया जा सकता, एक बार आपका वासेक्टोमी हो जाता है देन मेल कैन नॉट से कि नाउ आई वांट टू बिकम फर्टाइल अगेन, राइट। सो रिवर्स नहीं होता, सो रिवर्स ये जनरली आपको होते आपको नहीं मिलेगा, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू, कैन नॉट बी रिवर्स। तो ये भी याद रखना, इट कैन नॉट बी reversed, right? So ये permanent तरीका हो गया, surgical तरीका is a permanent तरीका, so that is one thing you have to know, so very consciously one has to decide this, right? Generally couples in their late 30s or mid 40s may plan कर लेते, because at that age they are not planning for any kind of kids, ना वो type of plan नहीं कर रहे थे like kids के लिए family के लिए, so वो time पे they go for this kind of technique। तो ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी, this is one thing you all should be very much clear with। So ये होगा आपके यहाँ पे स्टरलाइजेशन का तरीका, एंड दिस इज अ पिक्चर विच यू ऑल शुड बी क्लियर विद। अच्छा पहले ये बताओ, ये वाला स्लाइड आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है, इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑलराइट, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी आ रही हो देन प्लीज पूछ लो, ठीक है। सो दिस व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द वासेक्टोमी एंड दिस व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द ट्यूबेक्टोमी, राइट। गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे नॉर्मली हो रहा होगा, राइट, बट यू डोंट फाइंड दोस गैमेट रीचिंग टू अ डेस्टिनेशन बिकॉज आपने उसे कट कर दिया ट्यूब को। ओके, तो यहाँ पे आपके बेसिकली सर्जिकल मेथड में आपको इतना ही याद रखना है एंड दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग इन दिस। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना आपको समझ आ जाएगा, राइट। एक टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द सीमन। एक टर्म हमारा जो हम यूज करते हैं दैट टर्म इज कॉल्ड एज द सीमन। अब सीमन में बेसिकली आपको क्या मिलता है, सीमन विल हैव टू थिंग्स, सीमन के अंदर आपको दो चीजें मिलती है। सीमन विल हैव द मेल गैमेट्स दैट इज गोइंग टू बी स्पर्म्स, तो सीमन में होते हैं स्पर्म्स, स्पर्म्स प्लस यू हैव समाइनल प्लाज्मा,
समाइनल प्लाज्मा का मतलब आपका यहाँ पे ये है दैट इट इज नथिंग बट योर सम फ्लूइड जो आपके कुछ ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। तो याद रखना अगर आपसे कोई पूछता है कि सीमन में क्या क्या होता है, देन आप याद रखना सीमन में दो चीजें होती है। सीमन इज अ फ्लूइड विच विल हैव टू थिंग्स, एक तो उसके अंदर होंगे स्पर्म्स प्लस इट विल हैव अ फ्लूइड कॉल्ड एज अ समाइनल प्लाज्मा। अब ये समाइनल प्लाज्मा जो होता है ये कहां से आ रहा होता है, इट इज कमिंग फ्रॉम द एसेसरी ग्लैंड्स। ये अगेन ये चैप्टर टू का पार्ट है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखना कि आपके जो मेल के अंदर जो सीमन होता है उसके अंदर दो चीजें आपको मिलती है, एक तो स्पर्म दैट्स अ मेल गैमेट, वो दूसरा एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं समाइनल प्लाज्मा। ये आता है ग्लैंड से, फिलहाल के लिए आप इतना रख लो कि इट इज गोइंग टू बी कमिंग फ्रॉम द एसेसरी ग्लैंड्स, ये आ रहा होगा एसेसरी ग्लैंड्स, फ्रॉम द एसेसरी ग्लैंड्स दिस समाइनल प्लाज्मा इज एक्चुअली कमिंग। ठीक है, ये फ्लूइड आपका यहाँ पे आ रहा है। अब आपको अगर पूछा जाएगा कि अगर कोई वासेक्टोमी कर रहा है, इफ द वासेक्टोमी, इफ अ मेल अंडरगोज अ वासेक्टोमी, सो ड्यूरिंग इजैकुलेशन व्हाट विल कम आउट, तो याद रखना जब इजैकुलेशन होता है, इफ अ वासेक्टोमी हैज बीन डन, अगर वो पर्सन क्वाइटस करता है, सो ड्यूरिंग इजैकुलेशन व्हाट विल हैपन, सो अगर ऐसा कोई पर्सन है हु हैज अंडरगोन वासेक्टोमी, इफ अ पर्सन हैज अंडरगोन वासेक्टोमी, सो ड्यूरिंग इजैकुलेशन, सो याद रखना आफ्टर वासेक्टोमी व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द इजैकुलेशन, इजैकुलेशन the only thing which will be coming out from the penis is going to be seminal plasma. So yaad rakhna jab ejaculation yahan pe kiya jayega to semen aapka jo yahan se niklega, the semen which is going to be coming out from the penis, it will not have sperms. So semen will have no sperms. So semen ke andar you will have no sperms, it will only have that seminal plasma jo humne yahan pe jo likha hua na, ye jo fluid aapke yahan pe, isko aap short mein likho yahan pe as a fluid, जो फ्लूइड आपके यहाँ पे, बस यही चीज आपको मिलेगी देखने के लिए इन अ सीमन। तो याद रखना अगर कोई वासेक्टोमी कर रहा है, सो ड्यूरिंग आफ्टर वासेक्टोमी व्हेन द पर्सन अंडरटेक्स द क्वाइटस, तो क्वाइटस के बाद द सीमन विल नॉट हैव द स्पर्म्स, क्योंकि आप जानते हो ना स्पर्म्स तो पहुंच ही नहीं पा रहे, उनके तो रास्ते वहां पे ब्लॉक हो चुका है, बट इट विल हैव द समाइनल प्लाज्मा, उसके अंदर समाइनल प्लाज्मा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बात भी आप यहाँ पे याद रखना, इसको आप इस तरीके से याद रखो दैट सीमन जनरली इज गोइंग टू हैव स्पर्म प्लस समाइनल प्लाज्मा, बट आफ्टर वासेक्टोमी सीमन विल नॉट हैव स्पर्म्स, सीमन विल ओनली हैव द समाइनल प्लाज्मा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड ऑल द पीपल हैव जस्ट जॉइंड इन, गुड आफ्टरनून जो लोग अभी भी ज्वाइन किए हैं, सो प्लीज कोशिश करिए कि आप टाइम पे आ जाइए, राइट, इनकेस इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल ये टाइम पे देन इट्स अंडरस्टैंडेबल, बट ट्राई करिए जस्ट टू बी ऑन टाइम। So this is something you have to know in terms of the semen over here. चलिए अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डाउट सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। Let's solve few questions over here. Match the following आपके सामने, थोड़ा सा सोचो और आपके सामने यहाँ पे आपका आंसर आपको मिल जाएगा। So hand raise करना, quickly raise your hand to answer this, कि क्या हो सकता है, what can be the potential answer over here? क्या बात है खुशी, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। खुशी को यहाँ पे सी लग रहा है, ऑल राइट, देन वी हैव सना, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। पीयूष आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। ऑलराइट, एक और आंसर लेते हैं हम लोग यहाँ पर परफेक्ट, आकाश बता दो। सर सी। ऑलराइट आकाश, आपका वॉल्यूम बड़ा कम आ रहा है यहाँ पे, बट ठीक है, सो या ऑप्शन सी। सो लेट्स सी ऑप्शन सी यहाँ पे क्या कह रहा है। पिल के साथ आपका यहाँ पे आएगा प्रिवेंट द ओवुलेशन, सो ये बात तो आपके यहाँ पे सही है। बी के साथ आप कह रहे हो वन, सो कॉन्डम के साथ यहाँ पे आएगा स्पर्म्स प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग द सर्विक्स, ऑलराइट ओके। वासेक्टोमी के साथ यहाँ पे क्या आएगा? सी के साथ आपके यहाँ पे आएगा सीमन कंटेन्स नो स्पर्म, जो मैंने अभी आपको बताया, सो ये सी के साथ आपको पूरा गया। सो कॉपर टी प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ऑल राइट, ठीक है, सो ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स माय मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, सो हम लोग जानते हैं कि कॉपर टी आपके स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है, राइट, वो बात हम जानते हैं, लेकिन स्टिल इट स्टिल कैन बी डिकन एज वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन ओवर देयर। तो यस, मेरा ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। ये हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं। ये बता दो आप मुझे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप बता दो हैंड रेस करके। ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच, ट्यूबेक्टोमी जो आपका यहाँ पे मेथड होता है उसमें जनरली क्या किया जाता है, जल्दी इसका आंसर बता सकते हैं आप लोग यहाँ पे। अंशिका बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। शगुन आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। राइट ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, स्मॉल पार्ट ऑफ फिलामेंट ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, इसको हम निकाल देते हैं फिर इसे हम टाई कर देते हैं, बिल्कुल सही। One of the following is not a method of contraception. इनसे एक method contraception का यहाँ पे नहीं है, तो थोड़ा सा सोचिए और बताइए इनमें से कौन सा method आपको बिल्कुल ही लग रहा है कि यार ये तो पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है, ये तो method है भी नहीं।
सो बताइए इसका आंसर. जहीदा बताइए क्या होगा इसका आंसर. जहीदा आपकी आवाज नहीं आ रही. अच्छा आप सोच रहे हो क्या. ओके टेक योर टाइम. तनिष क्या लग रहा है. सर ऑप्शन बी. तनिष कैसे हैं आप. कल थे आप क्लास में. यस सर लेट था थोड़ा नेटवर्क इशू है सर. चलो कोई नहीं. आप कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन बी. पूजा आपको क्या लग रहा है. सर बी. राइट सो देखिए यहाँ पे बी क्या है आपका. बी में यहाँ पे लिखा हुआ है पिल्स ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. नहीं इनका कोई रोल नहीं होता. ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन का कोई रोल नहीं होता इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. राइट इनका कोई रोल नहीं होता. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही कहीं से भी सेंस नहीं कर रहा. ऑन द अदर हैंड यस कॉन्डम्स लिपिस लूप एंड विटोमी आर द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे बनेगा था करेक्ट आंसर. तो आप देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन नीट के अंदर वो लोग पूछते हैं. दे आर वेरी डुएबल काइंड ऑफ क्वेश्चन. आपके सामने पिक्चर देके रखी हुई है. पिक्चर को देख के आप बताओ कि ये सिचुएशन कौन सी है. व्हाट इज अ पिक्चर गिवन बिलो शोइंग इन पर्टिकुलर. ये पिक्चर बेसिकली आप कहां पे क्या दिखाना चाहती है. सो अगेन इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. मुस्कान क्या लग रहा है इसका आंसर. सर सी. शानवी आपको क्या लग रहा है. शानवी की आवाज नहीं आ रही. इट इज योर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. हाँ जी ऑप्शन सी. टिबेटोमी का ये पिक्चर आपको यहाँ पे वेयर यू कैन सी दिस फिलोपिन टू बारबिन कट एंड टाइट. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. ये वैसे ही अनम्यूट करके बोल दो जोर से. क्या होगा इसका आंसर. सर डी. आईओडी आर मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्शन इन द कंट्री. तो यस ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. दे आर द मोस्ट एक्सेप्टेड वन. ओके तो यहाँ पे हमारा आईओडीज वाला पार्ट हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है. यू हैव टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस. तो आपका यहाँ पे ग्रिप बनेगा. मैं आपके साथ असाइनमेंट शेयर करूंगा इसके. सो असाइनमेंट सॉल्व करके मेरे साथ आप शेयर करना. ठीक है अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एमटीपी को लेके. लेट्स टॉक अबाउट एमटीपी. क्या होता है एमटीपी. क्यों करा जाता है और इसके क्या है इसके लाइक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. सो एमटीपी बेसिकली इज गोइंग टू स्टैंड फॉर ये जो आप यहाँ पे टर्म है दिस जनरली स्टैंड फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो ये जो आपका टर्म है यहाँ पे दिस जनरली इज गोइंग टू स्टैंड फॉर अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो आपका है यहाँ पे एमटीपी. ये एमटीपी इज समथिंग इन अ वे वी कैन से इट इज अ क्लिनिकल वे ऑफ अबॉर्टिंग द बेबी. राइट ये एक तरीका का अबॉर्शन ही है जहां पे आप क्लिनिकल तरीके से आप करते हो. अब याद रखना एमटीपी इंडिया में लीगलाइज हुआ था इन द ईयर ऑफ 1971. तो ये बात आपको याद रखनी है कि 1971 के अंदर ये हुआ था लीगलाइज. सो इंडिया में इसको लीगलाइज किया गया था इन द ईयर ऑफ 1971. तो उसके पहले ये लीगल तरीके से नहीं किया जाता था. और इसको लीगलाइज करने का रीजन ये था बिकॉज इसे लोग यूज कर रहे थे गलत पर्पस के लिए. यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट पीपल वर ट्राइंग टू गेट इट ऑफ द फीमेल चाइल्ड और उसके लिए इसको यूज किया जाता था फॉर द रॉन्गफुल पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता था पहले के टाइम के अंदर. बट 1971 में गवर्नमेंट ने इसे लाइक लीगलाइज किया और गवर्नमेंट ने कुछ पैरामीटर्स रखे. मतलब उन्होंने कुछ बताया कि किस कंडीशन में आप एमटीपी करा सकते हो. ओके तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए गए थे. लॉज इवन अलाउ नहीं करते कोई भी फीमेल फिटोसाइड कराने का. लॉज इवन इस चीज का ध्यान रखते कि अगर कोई डॉक्टर इन्वॉल्व हुआ इसके अंदर फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन और फॉर एमटीपी ऑफ दैट पर्टिकुलर बेबी देन उसका लाइसेंस वहां पे ही कैंसिल हो जाएगा. सो सच स्ट्रॉन्ग लॉज वर केप्ट ओवर देयर. राइट अब हम यहाँ पे समझते हैं कि एमटीपी जिसे हम कहते हैं बेसिकली इट्स अबॉर्शन ऑफ द बेबी क्लिनिकल तरीके से ये कौन सी कंडीशन में कराना अंडरस्टैंडेबल होता है. इन विच कंडीशन यू विल फाइंड कि एमटीपी कराना इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल और वेरी मच अलाउड. वो हम यहाँ पे सीखते हैं या वो हम यहाँ पे पहले देखते हैं. सो एमटीपी अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ देन देर आर फ्यू कंडीशन इन विच एमटीपी कैन बी कैरिड आउट. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसे हम कहते हैं अबॉर्शन वो कौन सी कंडीशन में कराया जा सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इनकेस ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है इन्फेंट को या फीटस को देन इन दैट केस वन कैन गो फॉर द एमटीपी. अब याद रखना अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है फीटस को देन वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता. देन अंडर अ गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर the couple can undertake the MTP. वो लोग MTP करा के they can get rid of the baby. That is something which is very allowed. Right? That's one thing. Second, failure of the contraceptive.
फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव. सो लेट्स अज्यूम कि एक कपल ने हॉस्पिटल जाके इंट्रा यूट्रिन डिवाइस लगाया था, दे हैव इंसर्टेड द आईओडी राइट, बट फॉर सम रीजन इट डिडंट वर्क, किसी रीजन से अगर आईओडी काम नहीं किया एंड गर्ल स्टिल गॉट कंसीव्ड, देन बिल्कुल उनके पास ये परमिशन है, दे कैन एक्चुअली अंडरगो फॉर एमटीपी अंडर द केयर ऑफ अ डॉक्टर. अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव अगर काम नहीं करता, लाइक आईओडीज अगर काम नहीं करते या इम्प्लांट हमने इंस्टॉल लाइक लगाया था बॉडी के अंदर और अगर उसने काम नहीं किया, उसका पर्पज सर्व नहीं हुआ, देन इन दैट केस they can go for the MTP. So that is also something you have to know, right? Third reason मैंने यहाँ पे हो सकता है, risk to the mother. अगर pregnancy create कर रही है potential risk to mother. अगर pregnancy create कर रही है यहाँ पे potential risk to the mother, then even in that case one can go for the MTP. कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई बहुत early age पे अगर pregnancy attend कर लेता है, देन कई बार उनको रिस्क होता है दैट ड्यूरिंग पार्चुएशन थिंग्स माइट गो रॉन्ग एंड इट इज फेटल. रिस्क मतलब लाइफ थ्रेटनिंग, व्हेन आई से रिस्क याद रखना इट्स लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क. अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क अगर डॉक्टर कहता है कि हो सकता है, या समझो उस मदर को ऑलरेडी कोई तो भी लाइक कॉम्प्लिकेशन है राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज नॉट फेवरेबल टू हैव अ बेबी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर डॉक्टर कैन सजेस्ट टू गो फॉर एमटीपी राइट. तो ऐसी कंडीशन के अंदर वन कैन एक्चुअली गो फॉर एमटीपी अगर लगता है देयर इज अ पोटेंशियल रिस्क टू द मदर राइट ऑफ द प्रेगनेंसी. फोर्थ थिंग कैन बी बिकॉज प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट. अगर प्रेगनेंसी होती बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट राइट, बिकॉज ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट इफ देयर इज गोइंग टू बी अ प्रेगनेंसी. सो इफ अ गर्ल हैज अंडरगॉन अ रेप, देन इन दैट केस ऑल्सो दे कैन गो फॉर एमटीपी. इवन इन दैट केस अगर बिकॉज ऑफ दैट शी गेट्स प्रेगनेंट, then uske in that case also one can go for the MTP. to ye aapke yahan pe reasons hote, these are some of the reasons. aur ek jo last reason main yahan pe keh sakta hu, if there is going to be a unwanted pregnancy, agar koi couple kehta hai ki it is a unwanted pregnancy, even in that case, even to remove the unwanted pregnancy, one can go for this MTP, right? तो ये आपके कुछ यहाँ पे रीजंस होते हैं, ये सारे आपके पैरामीटर्स हैं, उसके अंदर एमटीपी कराया जा सकता है. याद रखना यू कैन नॉट अंडरटेक एमटीपी, यू कैन नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेक्स डिटरमाइन यहाँ पे कर नहीं सकते बेबीज का राइट, फीटस का, एंड उसके बाद एमटीपी तो सवाल ही पैदा नहीं उठता. सो दोनों चीजें आपके लॉग नहीं होती. ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. एंड याद रखना एमटीपी करने का एक टाइम पीरियड होता है, ये सबसे सेफ आपका रहेगा फ्रॉम द अप टू योर 12 वीक्स. So till 12 weeks of pregnancy, it is going to be safe. Till the 12 weeks of pregnancy, it is going to be safe. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. Till the 12th week, it is going to be safe. मतलब first trimester तक, यहाँ मैं कह सकता हूँ पहले तीन महीने के अंदर MTP कराना सेफ रहता है within the 12 weeks. उसके बाद अगर कोई एमटीपी के लिए जाता है, देन डॉक्टर काफी क्लियरली बता देगा दैट इट इज नॉट समथिंग इज गोइंग टू बी, इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी सेफ टू डू दैट, बिकॉज उस टाइम पे मदर की भी हेल्थ को ये रिस्की हो सकता है एमटीपी कराना. ओके, सो याद रखना विद इन द 12 वीक्स इट इज सेफ, बट बियॉन्ड दैट वो सेफ नहीं होता. तो एक ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, मैं कहूंगा इतनी ही बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो यहाँ तक आप करेगा सेफ, बट उसके आगे वो सेफ नहीं होगा. दिस इज व्हाट यू हैव टू नो राइट. क्या ये वाली स्लाइड और ये वाले पॉइंट्स है, ये वाले पैरामीटर्स क्या आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? आर दिस पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑलराइट, ठीक है. कोई भी चीज अगर समझ ना आई हो ना तो प्लीज इंटरप्ट करके बोल देना राइट, अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो. हुदा खालिद, गुड आफ्टरनून. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट राइट, एंड टिल द 12 वीक्स इट इज सेफ, देन यू कैन नॉट डू दैट. याद रखना लीगलाइज कब क्या कहता है, इन द ईयर ऑफ 1971. बार बार रिपीट इसलिए हम करें बिकॉज इट कैन बिकम अ क्वेश्चन. सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. So, intentional or voluntary termination of a pregnancy before the full term, right? जिसे हम कहते हैं यहाँ पे MTP. Voluntarily आप यहाँ पे pregnancy को terminate कर रहे हो. Induced abortion. 45 to 50 million MTPs are performed in the year all over the world. So, इतनी सारी MTPs throughout the world आपकी की जाती है. That is 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year. Okay, so इतनी pregnancy, like इतना MTPs आपको throughout the world हर साल आपका किया जाता है.
MTP has a significant role in decreasing the population, though it is not meant for that purpose. So MTP वजह से आपका population काफी decrease होता है, but ये उस purpose के लिए बनाया नहीं गया. Basically ये इसलिए नहीं बनाया गया so that you can just get rid of the baby, right? Basically इसको बनाया इसलिए गया था, ये technique को या इसको approve इसलिए कराया गया था ताकि आप कुछ conditions से अपने आप को बचा सको. या अगर कोई chromosomal disorder है उससे आप like you avoid that in the baby. या अगर रिस्क हो रहा है मदर को तो आप बचा सको, या इफ अ गर्ल हैज अंडरगॉन अ सेक्सुअल असॉल्ट तो उसको चाइल्ड बेयर ना करना पड़े. इसलिए इन सारे ऑप्शंस को रखा गया था, राइट? इट इज नॉट मेंट फॉर लाइक गेटिंग रिड ऑफ द बेबी ऑल द टाइम. ठीक है, सो इसके लिए पर्पस ये सब नहीं किया गया था. सो इसलिए कई सारे कंट्रीज में एक एथिकल क्वेश्चन भी है कि एमटीपी अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए. काफी कंट्रीज में आपको ये एज अ कंसर्न आपको मिलेगा. So 1971 में गवर्नमेंट ने इसे किया था लीगलाइज्ड एंड टू रिस्ट्रिक्ट द फीमेल फेटिसाइड, राइट? सो फीमेल फेटिसाइड हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं. सो दैट इज बीन, इसको लीगलाइज करने का रीजन ही यहाँ पे ये था कि आप बता सको लॉ के अंदर कि किस कंडीशन में ये किया जा सकता है और कब ये नहीं किया जा सकता. सो दैट इज वाई ये सब करा ही इसलिए गया था ताकि फीमेल फेटिसाइड को यहाँ पे कम किया जा सके. सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो. तो एमटीपी के अंदर आपको इतनी कहानी याद रखनी है एंड दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एक दो क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं. ए बी सी डी क्या होगा इसका सही आंसर? अनम्यूट करके वैसे ही बता दो जोर से. हाँ जी, ऑप्शन सी यहाँ पे, सी आंसर आपके यहाँ पे लग जाएगा. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एमटीपी, राइट? ठीक है. सो टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी किया जाता है ये. कंटिन्यूशन ऑफ अ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल टू बोथ मदर एंड बेबी, सो वो टाइम पे आप एमटीपी करा लेते हो अगर ये हार्मफुल होता है. रिस्की होता है, आई वुड से नॉट हार्मफुल, रिस्की टू द मदर स्पेशली, तो आप एमटीपी करा लेते हो. ठीक है, सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये सेफ है, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक ये आपका सेफ रहेगा, राइट? परफॉर्म बाय द क्वालिफाइड डॉक्टर, याद रखना दिस इज ऑलवेज डन बाय द डॉक्टर. सो अगेन यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प ओवर हियर. एंड ये रिस्ट्रिक्ट करता है फीमेल फेटिसाइड को. बेसिकली आप यहाँ पे फीमेल से डिटर्मिनेशन नहीं करते ना, यू आर समथिंग आई टोल्ड यू इट इज नॉट अलाउड टू गेट रिड ऑफ द फीमेल चाइल्ड. एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं. फॉलोइंग अ स्टेटमेंट गिवन रिगार्डिंग एमटीपी, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो. तो आराम से अपना टाइम लो, कुछ स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे देख रखी हुई है, आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही होगा. टेक योर टाइम एंड रेज योर हैंड, हार्ड डिस्क लेना यहाँ पे इसको आंसर देने के पहले. सो टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड, व्हाट कैन बी द पोटेंशियल आंसर इन दिस. ऑलराइट प्रिंस, बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी. प्रिंस, प्रिंस आप कहाँ से? मतलब सर दिल्ली. दिल्ली से आप भी? ओके, ऑलराइट, ओके. आई थिंक यू आर नॉट इन द लास्ट क्लास, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू. ठीक है, ऑलराइट. सो यस, ऑप्शन डी कह रहे हो आप प्रिंस यहाँ पे. आकाश आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी. एंड शिवानी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन. यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट है, आप यहाँ पे सही है. एमटीपीज आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट्स ट्रू. ये आपका स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू है. एंड थर्ड वन, एमटीपी रिक्वायर्स असिस्टेंस ऑफ अ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू. तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाती है. ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर. एमटीपी आर यूज एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मैटर, नहीं, बिल्कुल नहीं, दे आर नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव मैटर, दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. चलिए एक और देखते हैं. दिस इज समथिंग वी हैव डन, राइट? अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द एसटीडीज, कि व्हाट आर एसटीडीज एंड लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट देम. तो उसके पहले एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड सेफ कब तक? क्वेश्चन नंबर वन का आंसर अगेन यू हैव टू रेज योर हैंड क्विकली. आई डिडंट रेज योर हैंड. ऐसी बता दी आपने. पीयूष क्या होगा इसका आंसर? सर 12 वीक्स. एंड कंचन आपको क्या लग रहा है? सर 12 वीक्स. ओके, ऑलराइट, सो 12 वीक इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. अब यहां पे ध्यान से देखना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, व्हिच इज रॉन्ग रिगार्डिंग द एमटीपी. कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग है, एंड देन रेज योर हैंड. ध्यान से देख के हैंड रेज करना, बिकॉज स्टेटमेंट आपको रॉन्ग बतानी है. सो ओके, पूजा आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ए. एंड अंशिका आपको क्या लग रहा है? सर ए. श्योर नहीं लग रहे आप, साउंड डिडंट साउंड वेरी श्योर. मुस्कान क्या लग रहा है आपको? सर डी. डी. शिखा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए, ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं. So, पूछा गया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग है. तो पहले हम स्टेटमेंट आप देखते हैं. इन इंडिया इट इज लीगल अप टू 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, नहीं. सो ये तो मेरी रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो एक तो है मेरी यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट? बी क्या है?
एमटीपीज कांट बी डन विदाउट सर्जरी, राइट। तो ये बात तो आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है, एमटीपी बिना सर्जरी के तो किया नहीं जा सकता, तो ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आप समझिए, लोग कह रहे हैं यहाँ पे एमटीपी कैन नॉट बी डन विदाउट सर्जरी, बिल्कुल सही बात है, सर्जरी करना पड़ता है एमटीपी के टाइम पे, राइट। सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। एमटीपीज आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, राइट। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। सो इसलिए ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे मेरा एज अ करेक्ट आंसर, ये आपका ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, वही आपको यहाँ पे ढूंढना था, यू हैव टू लुक फॉर अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री, एमटीपीज आर रिक्वायर्ड फॉर, अगेन ध्यान से देखो एंड वैसे ही अनम्यूट करके सब लोग आंसर बता दो, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट। ऑप्शन डी आपके यहाँ पे सही आंसर है, टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड टू अवॉइड द हार्मफुल प्रेगनेंसी, हार्मफुल मतलब जो मदर के लिए हार्मफुल हो सकती है, सो दैट इज व्हाई बोथ ए एंड सी आर गोइंग टू बी करेक्ट, सो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर आपका यहाँ पे क्या आएगा? सी। ऑप्शन सी। राइट, 1971 आपका वो टाइम था जब इसको लीगलाइज किया गया था। क्वेश्चन नंबर फाइव, ध्यान से इसके लिए हैंड रेज कर दो, एमटीपीज आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर, किस चीज के लिए ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं बताइए आकाश। सर ए टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। आकाश की आवाज नहीं आ रही यार, आकाश आपकी आवाज नहीं आई। सर ए ऑप्शन। ऑप्शन ए। ओके, प्रिंस आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। और तनिष्क आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। ऑलराइट, तो याद रखना इन्होंने पूछा यहाँ पे कि एमटीपी को हम किस लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं, व्हाट इज इट इज बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर। एमटीपी हम यूज नहीं करते, रिस्ट्रिक्ट करना मतलब हम इसे किस चीज के लिए यूज नहीं करते, हम इसे यूज नहीं करते टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी, राइट। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ये दो चीजों के लिए तो आप कर सकते हो, टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, टू अवॉइड हार्मफुल प्रेगनेंसी, इसके लिए आप कर लेते हो, राइट। बट यू डोंट यूज एमटीपी टू डिटरमाइन द सेक्स, सो या दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन बी ओवर हियर, ठीक है। ऑलराइट, चलिए, सो नाउ दिस इज समथिंग वी हैव डन। अब लेट्स टॉक अबाउट एसटीडीज के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे। It's a sexually transmitted disease spread via sexual intercourse, right? नाम से पता चल रहा है, STDs are the sexually transmitted disease spread via sexual intercourse. इनको हम इवन कहते हैं as a venereal disease. इनके लिए एक और टर्म यहाँ पे होता है, ये टर्म्स याद रखना, ये टर्म्स आ सकते हैं आपको, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द venereal disease एंड दे कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज बाय रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन. सो STDs को हम इवन कहते हैं एज अ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ओके, RTI भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, right? Not right to information, it's a different term over here, okay? तो अभी हम इसमें कुछ चीजें समझेंगे, let's try to see few things in this. So sexually transmitted disease जो होती है यहाँ पे, उनके अंदर like you have number of example, gonorrhea, syphilis, trichomoniasis, chlamydiasis, genital warts, genital herpes, hepatitis B and AIDS. ये है आपकी यहाँ पे STDs. अब हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे ना, विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉमन सिम्टम्स ऑफ द एसटीडीज। एसटीडीज के जनरली कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें एक एक बीमारी के कॉमन सिम्टम्स नहीं पढ़ने, उतना डिटेल में हम नहीं सीखेंगे, बिकॉज नीट में कभी भी आपको उतना डिटेल में आपको आएगा नहीं, बट आपको कॉमन सिम्टम्स याद रखना है। सो लेट्स ट्राई टू सी सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ओवर हियर। सो लेट्स टॉक अबाउट एसटीडीज एंड देयर कॉमन सिम्टम्स। चलिए बात करते हैं अबाउट एसटीडीज and the symptoms over here, what are the common symptoms we will get to see. चलो ये देख लेते हैं। सो अगर हम कॉमन सिम्टम्स के बारे में यहाँ पे बात करता हूँ, सो यू कैन हैव नंबर ऑफ कॉमन सिम्टम्स ओवर हियर, यू कैन हैव समथिंग लाइक योर बर्निंग सेंसेशन, सो बर्निंग sensation in genitalia, and genitalia basically male and female genitalia ke andar, just wait a minute, basically male and female genitalia ke andar you will find a burning sensation can be seen agar kisi ko std hota hai to. So that's a one of the very common thing you find over there. Similarly you can have the pain in genitalia, so pain bhi ek bahut hi commonly dekhne ke liye mil jata hai. Inflammation, inflammation is also very commonly seen, so inflammation in genitalia, this is something you will get to see, right?
then you one can have something like abdominal pain, lower back mein, I won't say lower back, lower region ke, lower abdominal region ke andar pain hona, it's again something jo bahut commonly milta hai dekhne ke liye. So you can have a abdominal pain, ye bhi ek common symptom hota hai kai sare STDs ka, right? Low grade fever, कई बार बुखार आना, राइट, लो ग्रेड मतलब 100-101 जितना बुखार आना, दैट कैन बी सीन हैपनिंग. सो लो ग्रेड फीवर भी आपको मिलेगा देखने के लिए, यू कैन हैव अ लो ग्रेड फीवर. इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर किसी को एचआईवी होता है ना, तो एचआईवी में तो सिम्टम्स ही नहीं दिखते. एचआईवी में तो काफी लंबे टाइम तक सिम्टम्स दिखते ही नहीं है, लाइक 5 महीनों से लेके लाइक सालों तक, लाइक कई बार 5-6 सालों तक इन्फेक्शन के बाद सिम्टम्स ही नहीं होते. And then suddenly you realize कि आपका WC का count कम हो चुका है. Something we'll discuss later, but उसमें तो symptoms you don't even get to see. So low grade fever, abdominal pain, inflammation in the genitalia, right? चाहे वो male या female हो, pain in the genitalia, burning sensation in the genitalia, right? Then there's going to be something like a fluid discharge. So कई बार क्या होता है that either from a male or female genitalia में से एक yellowish kind of या कोई दूसरे कलर का fluid discharge आपको होते हुए मिलेगा. So fluid discharge from genitalia is something also you might find happening as a one of the symptoms. तो ये generally अगर symptoms देखने को मिलते हैं किसी person को, then they should go for a treatment. याद रखना, अगर ये treatment नहीं कराई जाती सही time पे STDs की, so ये आपका काफी लंबे consequences आपको यहाँ पे मिल सकते हैं. So, अगर STDs को अगर अर्ली टाइम पे अगर डिटेक्ट करके अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो, then it is, you can have a cure for that. But अगर ये नहीं किया जाता, for some reason, अगर आप अगर कोई इसको स्किप करता है ट्रीटमेंट को, then हो सकता है ये इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं. यू कैन फाइंड कि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई एसटीडी को अगर हम ट्रीट ना करें तो वो किसी पर्सन को इनफर्टाइल बना सकती है. सो दैट इज वाई इफ समवन हैपेंस टू सी दोस सिम्टम्स, दे शुड रश टू अ हॉस्पिटल, दे शुड गेट अ ट्रीटमेंट. अब कई बार होता क्या है कि एक स्टिग्मा होता है अटैच, कोई भी अगर ऐसी बीमारी हो तो काफी लोग इसे प्रिवेंट करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, बट दैट शुड बी अवॉइडेड एंड वन शुड गो फॉर अ ट्रीटमेंट इफ दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स आर बीन ऑब्जर्व्ड, राइट. सो लेट दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ओवर हियर. अब हम इसमें बात करते हैं हर एक बीमारी के बारे में, थोड़ा बहुत हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स अबाउट द डिजीज ओवर हियर, राइट, बिकॉज इसमें से भी आपके कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन के यहाँ पे आ जाते हैं. तो याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द symptoms you can see all the time in the people suffering with the STDs. That's one thing you have to know. Or ye agar terms agar aapko samajh nahi aa rahe, koi iske andar agar term samajh nahi aa raha, then you can ask me the questions. I hope ye slide ke upar jo maine yahan pe likha hua hai wo sari cheez aapko yahan pe samajh aa rahi. Agar isme koi term ya koi symptom agar aapko samajh nahi aa raha, then please interrupt karke apna sawal yahan pe aap pooch sakte ho. All right then, to chaliye fir main aage badhta hu, theek hai, and let's pick up some bimariyan and let's try to discuss them. So let's talk about something like your syphilis, right? तो अगर हम syphilis के अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, this is again one of the STD. So syphilis will be caused by So, Trypanoma pallidum is a name of a bacteria. So, Trypanoma pallidum, ये बैक्टीरिया के नाम आपको याद नहीं पड़ेंगे. So, Trypanoma pallidum is a name of a bacteria, और ये बैक्टीरिया कॉज करता है syphilis नाम की STD. So, this is a bacterial infection. So, this is a bacteria. कई बार पता है आपके सामने सवाल ये आ सकते हैं कि कौन बैक्टीरियल है कौन वायरल है, तो इसलिए आपको वो याद रखना पड़ेगा. So, Trypanoma pallidum is a name of a bacteria, और ये syphilis कॉज कर सकता है. आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है बार बार मुझे, दैट इट इज ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. Sexual contact, multiple sexual contact with multiple partners. So sexual contact is one of the reason because of that this bimari will be happening, right? It is very understandable. It's a STD, right? अब याद रखना, अगर किसी को syphilis होता है तो ये treatable है, ये बिल्कुल आपकी जो condition आपकी यहाँ पे ये curable है, और इसको cure करने के लिए हम generally use करते हैं antibiotics. So syphilis, if someone suffers from the syphilis, then याद रखना it is going to be curable. कई बार यही सवाल आता है नीट के अंदर कि कौन क्यूरेबल है और कौन क्यूरेबल नहीं है, तो इसको हम ठीक कर सकते हैं. दिस कैन बी वेरी इजीली, इट कैन बी ट्रीटेड. अगर इसको आप अर्ली डिटेक्ट कर लेते हो, देन इसको ट्रीट किया जा सकता है. अब जब हम इसे ट्रीट करते हैं, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द एंटीबायोटिक्स.
एंटीबायोटिक्स यहाँ पे यूज किया जा सकता है एज सिंपल एज पेनिसिलिन, और उसके साथ और भी कई सारे कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ द बैक्टीरिया। इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। इसमें एक और चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ये थोड़ा एडिशनल है याद रखना, लेकिन कि सिफिलिस को अगर ट्रीट नहीं किया ना ये काफी प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। तो सिफिलिस के साथ होता ये कि इसके कई सारे स्टेज होते हैं, इट विल हैव स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री। स्टेज वन के अंदर तो आपको जनरल सिम्टम्स आपको मिल जाएंगे कि आपको पेन हो रहा है जेनाइटल एरिया के अंदर, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ पस विच इज इन जेनाइटल एरिया, ये सब आपको कॉमनली मिलेगा एज अ सिम्टम स्टेज वन में। अगर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो स्टेज टू में क्या होगा, स्टेज टू में यू विल हैव स्वेलिंग होगा ज्वाइंट्स के अंदर, ज्वाइंट्स के अंदर आपका स्वेलिंग होते हुए आपको मिलेगा। यू विल हैव स्वेलिंग इन द सर्टन पार्ट ऑफ योर फीट, फीट के दूसरी लाइन में आपको स्वेलिंग होते हुए आपको मिल जाता है वहां पे। हेयर लॉस इज कॉमनली सीन, सो हेयर लॉस स्वेलिंग ज्वाइंट्स के अंदर दैट कैन बी ऑब्जर्व। एंड जब थर्ड स्टेज पे जाता है वो, अगर तब भी ट्रीटमेंट अगर कोई नहीं लेता देन थर्ड स्टेज में ये बैक्टीरिया आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है एंड इट कैन कॉज अ ब्रेन डैमेज, देन इट हैज अ पोटेंशियल टू कॉज अ ब्रेन डैमेज। तो ये बात याद रखना कि ये बीमारी को ट्रीट करना अर्ली स्टेज पे इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसको इग्नोर किया जाता है देन फिर वो काफी ज्यादा डैमेज करता है, देन यू कैन हैव एज बैड एज पैरालिसिस भी हो सकता है फिर इसके अंदर। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिलती है, सो दैट इज व्हाई इट हैज टू बी डिटेक्टेड अर्ली एंड शुड बी ट्रीटेड अर्ली एज वेल, राइट। और एल्स, क्योंकि एक बार अगर ब्रेन डैमेज हो गया ना तो याद रखना आपने ये पढ़ा है कि न्यूरॉन्स आप वापस ग्रो नहीं कर सकते, सो एक बार न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड एंड इंक्रीज देयर नंबर, यू हैव सीन दैट इन 11th ग्रेड। सो अगर आपके कुछ नर्व्स या न्यूरॉन्स की अगर डेथ होती है देन आप उसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते, सो दे आर गॉन, राइट। सो याद रखना दिस इज स्लाइटली मच मोर सीवियर कंपेयर टू अदर डिजीजेस, ठीक है, बट याद इट इज गोइंग बी क्यूरेबल, तो ये याद रखना आपको। सो ट्रिपोनेमा पैलिडियम इज अ नेम ऑफ द बैक्टीरिया जो ये बीमारी कॉज करता है और इट हैपेंस बिकॉज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, और इतनी कहानी आप यहाँ पे याद रखना, राइट। एडिशनल चीजें मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज यू डोंट फाइंड क्वेश्चन कमिंग ऑन बेस्ड ऑन देम, बट यू शुड नो, एटलीस्ट यू शुड नो दैट दिस इज अ लीथल कंडीशन, ठीक है। सो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए कोई दूसरी बीमारी देखते हैं, नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग लाइक योर गोनोरिया। So now you have a disease like your gonorrhea. Now gonorrhea is a condition. Again, this happens because of a bacteria. So ये आपका हो रहा है because of bacteria, Neisseria gonorrhea. अब मेरा यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है आर, ये एन नहीं है, इट्स एन ई आई डबल एस ई आर आई ए, एन ई आई डबल एस ई आर आई ए गोनोरिए, जी ओ एन ओ डबल आर एच ओ ई ए ई, ओके। सो दैट इज द नेम ऑफ अ बैक्टीरिया। तो अगेन ये आपके यहाँ पे बैक्टीरिया है, दिस अ बैक्टीरिया इज गोइंग टू कॉज यू दिस डिजीज, राइट। तो इसके भी जो सिम्टम्स मैंने आपको पहले बताया था वो सारे यहाँ पे कॉमन रहेंगे, यू कैन सी दोस कॉमन सिम्टम्स ओवर हियर। ये बैक्टीरिया कई बार जेनाइटल ट्यूब्स में जाके रहता है और अपना नंबर बढ़ाता है, मतलब यूरेथ्रा में जाके ग्रो करेगा, ये वजाइना में जाके ग्रो करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, राइट। सो दैट इज समथिंग व्हिच विल हैपन। नाउ दिस इज अगेन अ बैक्टीरिया, और क्योंकि ये बैक्टीरिया है तो याद रखना ये बीमारी भी आपके यहाँ पे क्यूरेबल है। सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी क्यूरेबल, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी क्यूरेबल। अगेन सिंपल तरीका यहाँ पे यही रहेगा दैट वन हैज टू यूज द, एज अ डॉक्टर वन हैज टू गो फॉर द एंटीबायोटिक्स, डॉक्टर इज गोइंग टू यूज द एंटीबायोटिक्स ओवर हियर, antibiotics, and you can find the treatment can be done, right? Baki symptoms aapke yahan pe same hai. Scientific name aapko yaad rakhna hai, scientific name yaad rakhna hai, because massive following mein wo yahi karenge, ek side pe common name, ek side pe scientific name, aur bolenge ki match kar do wahan pe. So that is why you have to know the scientific name over here. Ye aapko yahan pe yaad rakhna padega, so that is something you have to be very clear with, right? So that is the story of a gonorrhea, aur itni baat iske andar yaad rakhni, aur aapko additional kuch iske andar yaad nahi rakhna, okay? Then let's talk about some disease caused by some viruses. So virus वाली बीमारी की हम यहाँ पे बात करते हैं. Like we can discuss something like your HIV AIDS. अब HIV AIDS को मैं ज्यादा डिटेल में यहाँ पे आपको नहीं सिखाऊंगा बिकॉज ये हम सेपरेटली पढ़ेंगे हमारे ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर के अंदर. इसको हमने सेपरेटली बैठ के सीखना है, पढ़ना है डिटेल के अंदर, इसलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में आपके सीखेंगे नहीं. बट याद रखना जब हम HIV AIDS की बात करें, it is happening because of the HIV virus.
सो यहाँ पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बस वो बेसिक चीज बताऊंगा, इट इज हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ द वायरस, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. वायरस का नाम आपके यहाँ पे वो एचआईवी वायरस, राइट? इट इज एचआईवी वायरस, जिसको हम इवन कहते हैं रिट्रो वायरस, इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे रिट्रो वायरस. तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे कॉज करेगा. इसमें बस आप एक चीज यहाँ पे याद रख लेना कि एचआईवी जब किसी को होता है, ये किसी ऑर्गन को टारगेट नहीं कर रहा. बेसिकली जनरली क्या होता है कि अगर किसी को कोई दूसरी एसटीडी होती है तो वो जेनिटल एरिया में टारगेट कर रहे होते हैं, इधर दे आर टारगेटिंग द टेस्टिस में वो जाके ग्रो करते हैं, सो दे आर टारगेटिंग द सर्टेन एरिया ना. यहाँ पे ऑर्गन इज नॉट टारगेटेड, स्पेसिफिक ऑर्गन यहाँ पे टारगेट नहीं है. तो याद रखना, इसमें काफी इंटरेस्टिंग है कि एचआईवी के अंदर द वायरस इट इज नॉट गोइंग टू टारगेट द ऑर्गन, सो ऑर्गन इज नॉट टारगेट सेड. सो ऑर्गन इज नॉट अ टारगेट, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन आपके यहाँ पे टारगेट नहीं होता. तो फिर क्या टारगेट होता है यहाँ पे? सो याद रखना, एचआईवी वायरस जो आपके यहाँ पे होगा, ये टारगेट करेगा आपका इम्यून सिस्टम. सो दिस गोइंग टू टारगेट योर इम्यून सिस्टम, दिस बेसिकली गोइंग टू टारगेट योर इम्यून सिस्टम. और जब मैं कह रहा हूं आपके इम्यून सिस्टम को टारगेट किया जाएगा, तो समझ जाना दैट मींस आपके WBCs को यहाँ पे टारगेट किया जाएगा. आपके WBCs जो यहाँ पे होते हैं, उनका नंबर आपका यहाँ पे कम होने लगता है, एंड दैट इज व्हेन द थिंग्स बिकम डिफिकल्ट, राइट? सो बेसिकली होता है क्या, अगर किसी को एच आई वी होना तो कई महीनों तक या सालों तक सिम्टम्स नहीं होते, बट सडनली उसको बीमार होने लगता है. वो सिम्टम्स कैन बी एज सिंपल एज लो ग्रेड फीवर आपका आ रहा है हर रात को, थकान ज्यादा हो रही है, राइट? एंड लाइक यू हैव सम लाइक यू कैन हैव एज सिंपल एज योर लाइक एब्डोमिनल पेन, तो जनरली आपको होता नहीं, बट यू कैन हैव लाइक डिजीज आपका होना, बेसिक बीमारियां बार बार होना, तो ऐसा कुछ होने लगता है. देन द पर्सन विल गो फॉर अ नॉर्मल ब्लड टेस्ट. ब्लड टेस्ट कराने के बाद यू गेट टू सी कि उसका WBC काउंट काफी कम हो चुका होता है. अब जब डॉक्टर को दिखता है दैट द पर्सन हैज अ वेरी लो अमाउंट ऑफ WBC, देन डॉक्टर रेकमेंड करता है टू गो फॉर द HIV टेस्ट, एंड देन द पर्सन विल गेट टू नो दैट ही इज सफरिंग विद द HIV वायरस. ठीक है, तो इसमें याद रखना, इसमें आपका WBC का काउंट काफी कम हो जाता है. कैसे होता है, क्यों होता है, हाउ HIV वर्क्स, वो हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, बट याद रखना इट इज नॉट क्यूरेबल. अगर किसी को HIV हुआ, सो ये क्यूरेबल आपके यहाँ पे नहीं होता. सो याद रखना, दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी नॉट क्यूरेबल. सो ये क्यूरेबल नहीं है. सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू बी क्यूरेबल बाय एनी मीन्स. कोई तरीका नहीं होता इसको क्योर करने का. एक बार हो गया तो हो गया, राइट? वन कैन हैव अ प्रोलॉन्ग लाइफ, बट यू कैन नॉट क्योर योर सेल्फ फ्रॉम HIV, सिंपल, राइट? अब इसमें एक दो चीज मैं बताना चाहूंगा कि HIV यहाँ पे होगा बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद मल्टीपल पार्टनर्स, दैट्स वन थिंग. सेक्सुअल कॉन्टैक्ट तो यहाँ पे एक रीजन होता ही है विद मल्टीपल पार्टनर्स, सो दैट कैन कॉज द HIV. सेकेंड यहाँ पे हो सकता है बिकॉज ऑफ अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज वेल. ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर कोई लड़का जाता हॉस्पिटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने के लिए, मतलब ब्लड लेने के लिए, राइट? बिकॉज इज बीमार है वो, और वो ब्लड जो आप ले रहे हो अगर उसका चेकिंग नहीं हुआ है सही से, अगर उस ब्लड के अंदर HIV के एंटीजन है या HIV के वायरस है, देन दैट कैन स्प्रेड द अदर पर्सन विल आल्सो गेट HIV, राइट? सो कई बार ऐसा होता है कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, अगर ब्लड का सही से एनालिसिस नहीं किया था पहले, देन पॉसिबली हो सकता है दैट द पर्सन माइट गेट HIV, राइट? सो ये कंटेमिनेटेड ब्लड, बेसिकली अगर किसी का ब्लड कंटेमिनेटेड है, सो द अदर पर्सन कैन गेट द HIV, राइट? देन थर्ड थिंग कैन बी ओवर हियर, तीसरी चीज आपके यहाँ पे हो सकती है, यूज ऑफ सेम सिरिंज. यूज ऑफ सेम सिरिंज, सो बेसिकली ये उनमें देखा गया है जो लोग ड्रग अब्यूजर होते हैं. अब जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं वो जनरली ड्रग लेते समय एक ही सिरिंज से मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं, लाइक दे विल यूज द सेम सिरिंज मल्टीपल टाइम्स विद अदर पीपल, राइट? दैट इज द अगेन वन ऑफ द वे थ्रू विच HIV हैपेंस. And obviously, कोई ड्रग अब्यूजर इतना ध्यान नहीं रहता कि उसे एक टाइम पे एक ही स्ट्रिंज यूज करनी है, राइट? सो दे हैव टू यूज दैट सेम स्ट्रिंज मल्टीपल टाइम्स विद मल्टीपल पीपल, एंड उसमें अगर किसको अगर HIV है, then it is going to spread to other people as well. So use of same syringe is something has been a reason for HIV as well, right? और तीसरा तरीका आपका यहाँ पे ये है, या चौथा रीजन आपका यहाँ पे है, मदर टू फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. मदर टू फीटस during pregnancy, this is something which will be happening during the pregnancy. अब ये fourth point है. Fourth point में एक अच्छी बात ये है कि अगर लड़की को मालूम है that she is HIV, she can still have a baby who is not HIV positive.
ऐसी मेडिकेशन आपकी बन चुकी है, ऐसी दवाई आपकी बन चुकी है, ऐसे ट्रीटमेंट आपकी बन चुकी है जिसके थ्रू आप अवॉइड कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली हैव अ बेबी हु इज गोइंग टू बी एचआईवी नेगेटिव. सो कई बार ऐसा लाइक ये पॉसिबिलिटी है दैट इफ एचआईवी मदर इज एचआईवी पॉजिटिव देन यू कैन स्टिल हैव अ बेबी हु इज गोइंग टू बी एचआईवी नेगेटिव. अगर वो बोले पता हो तो, अगर वो चीज आपको पहले पता हो तो, अगर नहीं पता है देन यस यू विल फाइंड द मदर विल बी हैविंग द एचआईवी एंड द फीटस विल आल्सो गेट द एचआईवी अगर कोई इसकी ट्रीटमेंट आप स्टार्ट नहीं करते तो. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. राइट, सो मदर टू फीटस ये जा सकता है. यूज ऑफ सेम स्ट्रेंज इज नॉट द रीजन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन काफी ज्यादा रीजन बन चुका है कंट्री में, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो द एचआईवी हैपेंस कंटेमिनेटेड ब्लड की वजह से. एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद मल्टीपल पार्टनर्स, सो दीज आर द फोर रीजंस यू हैव टू नो. ये चार रीजन आर द रीजन बिकॉज ऑफ दैट एचआईवी इज नोन टू बी स्प्रेडिंग थ्रू आउट द कंट्री. ठीक है, तो आई होप ये चारों पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर है. आई होप ये कलेक्टिवली सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस सर. राइट, इसको लेकर अगर समझ नहीं आ रही देन पूछ लो. इफ देयर इज समथिंग व्हिच यू हैव एनी कंफ्यूजन ओवर हियर या कोई अगर सवाल हो देन यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन. ठीक है, पूछ लिया करो, कुछ भी सवाल जहन में मत रखना. और प्लीज बिकॉज ये बायोलॉजी क्लास है, प्लीज डोंट थिंक ट्वाइस कि मैं क्या पूछ रहा हूँ या क्या पूछ रही हूँ. राइट, यू कैन आई नो दीज आर द टॉपिक विच आर कंसिडर्ड एज अ like you have a stigma attached to these kind of topics, right? You know that, tum log samajhdar ho. So that is why these are the space, this is a space, this is a class where you can actually ask a question. You can actually ask a question based on like what are the any kind of question based on that. Theek hai, so pooch liya karo. So that is something you have to know. That itna yaad rakho, baaki HIV to humne detail mein padhna hai, ye baad mein usko hum baad mein dekhenge. Yaad rakhna ye immune system ko target karta hai, not a particular organ. So and yeah, ye pata bhi baad kafi late chalta hai. Okay, so ये हो गया मेरा HIV as one of the disease. Then you have a hepatitis B. ये भी हम देख लेते हैं. या one more condition called as a hepatitis B. So hepatitis B जो आपके यहाँ पे होता है, again that is a condition which is can spread via sexual contact. तो ये भी कई सारे reasons से आपका spread किया जा सकता है. One of the reasons में sexual contact. तो इसमें जो virus है उसका नाम बड़ा आसान है यहाँ पे. Virus का नाम आपका यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस. तो यहाँ पे कोई अलग सा नाम आपको याद नहीं रखना है. सो इसका वायरस का नाम ही होता है आपका हेपेटाइटिस बी वायरस. आपके यहाँ पे अगेन याद रखना, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी होता है देन इट इज समथिंग विच इज नॉट क्यूरेबल. ये भी आपके यहाँ पे क्यूरेबल नहीं है. इट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी क्यूरेबल. राइट, इसका काफी इट इज नॉट क्यूरेबल. इट इज नॉट क्यूरेबल. ये क्यूरेबल आपके यहाँ पे नहीं होता. इसके सिम्टम्स काफी इंटरेस्टिंग होते हैं. इंटरेस्टिंग मतलब थोड़े अलग होते हैं. अगर किसी को हेपेटाइटिस बी होता है तो उसका लिवर डैमेज होता है. यू गेट टू सी लिवर डैमेज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा. एंड सो उसके साथ जॉन्डिस काफी कॉमनली आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलता है. तो अगर किसी को हेपेटाइटिस बी होता है तो जॉन्डिस इज समथिंग वेरी कॉमन सीन इन देम. राइट, सो जॉन्डिस काफी कॉमनली यहाँ पे मिलता है देखने के लिए. एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ लिवर डैमेज. उसको आप अगर आप ट्रीटमेंट ना लो सो यू कैन ऑल्सो हैव अ लिवर डैमेज. ठीक है, अब इसमें पता है इंटरेस्टिंग क्या है. हेपेटाइटिस बी होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से. जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था ना, ये सारी चीजों से होता है. लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यूज ऑफ सेम सिरिंज, राइट, दीज आर द रीजंस बिकॉज ऑफ दैट द हेपेटाइटिस बी कैन हैपन. बट इसके साथ साथ इवन सलाइवा, अगर सलाइवा किसी पर्सन का किसी दूसरे पर्सन के अंदर जाता है तब भी हेपेटाइटिस बी आपका हो सकता है. ओके, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट तो है ही, मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट तो है ही, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो है ही आपको वहां पे. बट उसके साथ साथ इवन सलाइवा हैव द वायरसेस. तो अगर सलाइवा भी अगर आपके यहाँ पे एक पर्सन से दूसरे पर्सन अगर ये जाता है देन आल्सो द हेपेटाइटिस बी कैन हैपन. राइट, तो ये बात याद रखना. दिस समथिंग कैन नो ओवर हियर सुपरफिशियली, आप ये बात याद रखना. और ये भी आपका क्यूरेबल आपके यहाँ पे नहीं है. इट कैन नॉट बी ट्रीटेड. इसको आप ठीक नहीं कर सकते अगर ये होता है तो. राइट, बट यहाँ पे आप सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हो. सो पर्सन कैन स्टिल कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ विद कंट्रोलिंग द सिम्टम्स. ओके, सो दैट इज अ हेपेटाइटिस बी. देन एक और कंडीशन हम यहाँ पे लिख देते हैं वायरस वाली, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ जेनाइटल हर्पेस HERPES. बिकॉज ऑफ थोड़ा पसीना आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ लाइन्स. सो यू हैव अ जेनाइटल हर्पेस ओवर हियर. अब जेनाइटल हर्पेस में यहाँ पे क्या होगा, दिस इज कॉज्ड बाय, वायरस का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है. इट इज कॉज्ड बाय हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस. Herpes simplex virus. ठीक है, तो ये है नाम उस वायरस का जो ये बीमारी कॉज करता है. अगेन
जिनाइटल एरिया में बर्निंग सेंसेशन और पेन बहुत कॉमन इसके अंदर है. जिनाइटल हर्पीस याद है, जिनाइटल टर्म आ रहा है. सो जिनाइटल एरिया में पेन एंड यू विल हैव इंटेंस अमाउंट ऑफ बर्निंग सेंसेशन इन द जिनाइटल एरिया, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. अब ये हो रहा है एक बार फिर वायरस की वजह से, राइट. तो सिम्टम्स वही कॉमन जो हमने लिखे थे वही आपको लाइक फॉलो करना है. इट इज ऑल्सो नॉट क्यूरेबल, ये भी आपका क्यूरेबल नहीं होता. इट इज ऑल्सो नॉट क्यूरेबल. अगर ये होता है आप सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हो बट आप इसे क्योर नहीं कर सकते. अगेन इट विल बी हैपनिंग वाया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. आई डोंट थिंक आई हैव मेंशन दैट मल्टीपल टाइम्स. एसटीडी हम पढ़े तो ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ही होगा. सो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कैन कॉज द जेनिटल हर्पिस. वायरस के नाम प्लीज याद रखना बिकॉज इसके ऊपर बेस्ड आपके सामने सवाल पूछे जाएंगे, राइट. सो हो गया आपके यहाँ पे जेनिटल हर्प्स. एक और नाम यहाँ पे लिख लेते ताकि सारे वायरस वाले यहाँ पे आ जाएंगे एक साथ. सो यू विल हैव वन मोर नेम ओवर इट, दैट इज माय जेनिटल वार्ट्स. जेनिटल वार्ट्स. सो जेनिटल वार्ट्स के अंदर क्या होता है, दैट दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग अगेन विद हेल्प ऑफ द वायरस. ये जो कंडीशन आपकी जेनिटल वार्ट्स, इसमें क्या होगा, जेनिटेलिया के अंदर आपको कुछ वार्ट्स आपको मिलेंगे. सो वार्ट्स इन द जेनिटल एरिया, दैट मींस कुछ रेडनिंग आपको मिलेगी आपको, लाइक पीनस हो गया या फीमेल जेनिटेलिया हो गया, राइट, वजाइना वाला पार्ट हो गया, वहां पे आपको वार्ट्स देखने के लिए आपको मिलेंगे. सो यू हैव वार्ट्स ऑन द जेनिटेलिया. समवन हैज, अच्छा अंशिका हैज शेयर्ड द फॉर्म. अंशिका कौन सा फॉर्म है अंशिका, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म यू हैव शेयर्ड विद अस? सर अटेंडेंस के लिए. अटेंडेंस के लिए, अच्छा कोमल में हमने फॉर्म शेयर किया है. ओके ऑलराइट. सो यू हैव अ जेनिटल वार्ट्स ओवर हियर व्हिच यू विल बी हैविंग, या सो यू हैव अ वार्ट्स ऑन द जेनिटेलिया. सो वार्ट्स on genitalia, right. Again they are like quite painful, right, but the thing is na it can be treated. Isko aap treat kar sakte ho, so it is going to be curable. So basically iska treatment aapka yahan pe hota hai. Normally cryo surgery ki jati hai aur wo jo genital wale jo area hai wahan se in warts ko nikala jata hai. Okay, so yaad rakhna it is treatable, yahan pe treatable yahan pe hoga, but aapko yaad hi rakhna hai isko kar kaun raha hai. So, इसको किया जाएगा, इट इज बीन हैपनिंग बिकॉज ऑफ द वायरस कॉल्ड माय ह्यूमन पैपिलोमा, पैपिलोमा वायरस. तो ये याद रखना, जेनिटल वार्ट्स जब होते हैं किसी इंडिविजुअल को, अगेन दे आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. सो ये होते हैं बिकॉज ऑफ द वायरस कॉल्ड माय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. हाँ जी मुस्कान बताइए क्या सवाल है आपका. सर ये वॉट्स क्या है? वॉट्स मतलब मैं आपको पता है कई बार हमारे स्किन पे रेड रेड हमारा एक छोटा सा स्ट्रक्चर ऐसे उठ के आता है कई बार स्किन के ऊपर या फेस के ऊपर हमारा आता है, उसको हम कहते हैं वॉट्स. उसको हम कहते हैं वॉट्स, डब्ल्यू ए आर टी एस. सो वॉट्स आर बेसिकली सम काइंड ऑफ रेडनिंग विच इज हैपनिंग ऑन द स्किन. या पता है कई बार आपके मुंह के अंदर आपको छाले आते हैं, राइट. सो सम रेडनिंग स्पॉट्स यू गेट ऑन द लिप्स और ऑन द अपर पार्ट ऑफ योर जॉ, राइट. तो वो जो आपके हो रहे होते हैं उन्हें हम यहाँ पे वॉट्स कह सकते हैं. और वही वॉट्स जेनिटेलिया वाले एरिया में देखने के लिए मिलते हैं. दोज वॉट्स विल बी सीन ऑन जेनिटेलिया वाले एरिया. तो एक स्मॉल स्ट्रक्चर वहां पे ग्रो करने लगता है वहां पे रेड कलर का, एंड दैट विल बी सीन ऑन द फीमेल जेनिटेलिया और ऑन द मेल जेनिटेलिया. तो इसको आप सर्जरी करके आप रिमूव कर सकते हो. यू हैव अ क्रायो सर्जरी जिसके थ्रू आप इन्हें रिमूव कर सकते हो. ओके, सो दैट इज वाई दे आर ट्रीटेबल, बट दे आर कॉज बाय द वायरस अगेन. मुस्कान समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मुस्कान एंड ऑल ऑफ यू आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? Yes sir, I understand. So ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, and this is something which is treatable. तो याद रखना ये treatable है, इस condition को डॉक्टर साहब treat कर सकते हैं. It is going to be treatable. बताइए किसने hand raise किया, बताइए क्या सवाल है आपका? Again कुम, अच्छा it's कुमल मैम. कुमल मैम ने form share किया होगा बेटा यहाँ पे. Form फटाफट fill कर देना about your attendance, ठीक है? All right, so this is something you have to know here. So यहाँ पे ये terms देख लो. हमने यहाँ पे देखा hepatitis B caused by the virus. क्या नाम है virus का? Hepatitis B virus. Genital herpes is caused by a virus called as herpes simplex virus, right? And genital warts यहाँ पे आपका caused किया जा रहा है again by a virus called as human papilloma virus. अब इन तीनों में से दो condition को आप treat नहीं कर सकते. Your genital herpes को आप treat नहीं कर सकते. Hepatitis B का curable नहीं है. So these two conditions are not curable. बट जेनिटल वार्ट्स को आप ट्रीट कर सकते हो, इवन दो ये वायरस से कॉज करिए, आप इसे ट्रीट कर सकते हो. तो ये बात याद रखना, जेनिटल वार्ट्स आर ट्रीटेबल, राइट. बट हर्पीस नहीं ट्रीट किया जा सकता, कोई क्योर नहीं है.
हेपेटाइटिस का यहाँ पे कोई क्योर नहीं है, और एचआईवी का तो कभी भी नहीं है, राइट? एचआईवी का भी नहीं है आपके आपका क्योर, राइट? सो ये बात आपको यहाँ पे आर्गुमेंट, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद कि कौन ट्रीट करा जा सकता है, कौन सा यहाँ पे ट्रीट नहीं किया जा सकता, ठीक है? सो आई होप यहाँ तक चीजें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है, आई होप ये स्लाइड क्लियर है। एक बार फिर आपसे पूछना चाहूंगा, आई होप ये स्लाइड पे जो लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है, अगर नहीं आ रहा देन प्लीज अनम्यूट करके बता दो कि क्या समझ नहीं आ रहा, सो आई कैन रिपीट दैट थिंग टू यू, राइट? तो यहाँ पे हमने 3 एसटीडीज हमने यहाँ पे देखी, राइट? और मैं हर एक एसटीडी की डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज दैट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर नीट एग्जाम, दैट्स व्हाई, नीदर फॉर नीट नीदर फॉर सीयूईटी, राइट? हाँ जी सोनाली बताइए, क्या सवाल है आपका? सुमालिया क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर हेपेटाइटिस बी का मतलब जो आंगनवाड़ी होती है वहाँ पे उनमें ना वो वैक्सीनेशन लगती है बच्चों को, तो वो मतलब क्या होता है? हाँ, सो वैक्सीनेशन, यस, इसकी वैक्सीनेशन आपको मिलती है बच्चपन में, अगर वैक्सीनेशन बच्चों में मिल रही होती है, सो दैट मींस क्या, देखो मैं बताता हूँ वैक्सीनेशन आप करते क्या हो। वैक्सीनेशन के अंदर आप एक डेड या इनएक्टिव वायरस को अपने बॉडी में डालते हो, तो उसे होता क्या, अगर आपके बॉडी में इनएक्टिव या डेड अगर मैं वायरस आपके बॉडी में डाल रहा हूँ तो आपका इम्यून सिस्टम सीख जाता है उसे कैसे डील करना है। इट्स लाइक अ प्रैक्टिस के लिए आप एक डेड पैथोजन आपने डाल लो बॉडी के अंदर, तो आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देगा बचपन में ही, और सीख जाएगा कि इस वायरस को मारने के लिए कितना टाइम लगेगा या इस वायरस को कैसे खत्म किया जा सकता है। इवन दो इट्स डेड वायरस, आपका इम्यून सिस्टम उसको मार के प्रैक्टिस कर लेता है, ऐसा आप समझ लो। अब अगर किसी बॉडी के अंदर वापस से ये वायरस आता है तो आपका इम्यून सिस्टम उसे संभाल लेगा। तो समझो आपने किसी बच्चे ने 2 साल की एज में उसका वैक्सीनेशन लिया, मतलब डॉक्टर ने क्या किया, डेड पैथोजेंस को बॉडी के अंदर डाला, उस बच्चे के इम्यून सिस्टम ने उसे डील कर लिया और उसने उसे मारना सीख लिया या उसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है उसने जान लिया इम्यून सिस्टम ने। अब वो लड़का हो गया 21 साल का, अब अगर उस 21 साल के लड़के के अंदर अगर हेपेटाइटिस बी वायरस वापस आता है तो उसका इम्यून सिस्टम, क्योंकि उसने मेमोराइज करके रखा होता है कि इसको कैसे मारना है इवन इतने साल के बाद भी, उसे वो वहां पे खत्म कर देगा और वो भी काफी कम टाइम के अंदर। सो अगर कोई वायरस वापस बॉडी के अंदर आता है देन योर सिस्टम विल गिव अ स्ट्रांग रिस्पॉन्स एंड विद इन अ मैटर ऑफ सर्टेन मिनट्स उस वायरस को वहां पे न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, इवन दो वो एक्टिव फॉर्म में है तब भी। वो फायदा होता है वैक्सीनेशन का, इसलिए याद रखना वैक्सीनेशन बचपन में ही कराई जाती है, मोस्ट ऑफ द वैक्सीन आर डन इन द अर्ली डेज, ताकि फ्यूचर में अगर कोई वायरस या पैथोजन अगर आता है तो उसको आप फटाफट डील कर सको, राइट? इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ यहाँ पे। सोचो अगर किसी को मलेरिया होता है तो उसे एक बार हो गया वापस नहीं होगा, या अगर किसी को टाइफाइड होता है उसे एक बार हो गया वापस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वापस? क्योंकि उसके इम्यून सिस्टम ने सीख लिया उसे कैसे डील करना है। पहले बार जब टाइफाइड हुआ पानीपुरी खाने के बाद तो इम्यून सिस्टम ने टाइम लिया, हफ्ता भर लिया बैक्टीरिया को मारने के लिए, बट एक बार उसने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया, देन अगर वो सेम बैक्टीरिया आज से 6 साल बाद अगर वापस आता है आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रिस्पॉन्स देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा उसने उसे मार दिया होगा, ठीक है? सो दैट हैपेंस इन वैक्सीनेशन ऑल्सो, वैक्सीनेशन में भी आप यही करवाते हो। सोनाली मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, पक्का समझ आ रहा है ना? 100%, राइट? सो दैट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग इन द वैक्सीनेशन। तो यस, इसकी वैक्सीनेशन बचपन में आपको मिल सकती है, दी जाती है, राइट? अगर फॉर सम रीजन किसी रूरल एरिया में अगर किसी को नहीं मिलती देन दे आर प्रोन टू सच कंडीशन, बट एल्स अगर वैक्सीनेशन किसी को मिली है देन दे आर ऑल सेफ फ्रॉम हेपेटाइटिस बी, राइट? तो फिलहाल के लिए इतने एसटीडीज को आप यहाँ पे ध्यान रखना। मैं स्ट्रांगली चाहूंगा कि आप इनके नाम और इनके साइंटिफिक नाम को एक बार लिख लो खुद से घर जाके, मतलब क्लास के बाद, राइट? राइट इट बाय योरसेल्फ। देन हाँ जी तनिष्क बताइए, क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर टाइफाइड एक बार होने के बाद होता नहीं है दोबारा? टाइफाइड एक बार हो गया तो आपको वापस नहीं होगा अनलेस यू हैव अ वेरी वीक इम्यून सिस्टम। मैं बता दूं कि इसमें किस केस में हो सकता है, वन ऑफ द केस इज गोइंग टू बी एचआईवी। अगर किसी को एचआईवी होता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि एक ही बीमारी बार बार होती है इन लोगों को, या फिर अगर किसी का नेचुरली अगर इम्यून सिस्टम काफी वीक है तो उसके अंदर हो सकता है, बट जनरली किसी के अंदर नहीं होता। सो अगर समझो एक बार वायरस बैक्टीरिया आ गया, उसका बैक्टीरिया एक ही है सेल्मोनेला टाइफी, अगर आपके बॉडी में आ गया, समझो आप 7 साल के थे आपको हो गया आपका टाइफाइड, देन अगर सेल्मोनेला टाइफी वापस आता है आज से 10 साल बाद भी या 15 साल बाद भी, तो आपकी बॉडी उसे डील कर लेगी बहुत स्मूथली। योर इम्यून सिस्टम विल गेट रिड ऑफ द बैक्टीरिया एंड यू वोंट इवन रियलाइज। सो दैट्स व्हाई वी से अगर एक बार हो गया तो वापस वो नहीं होगा अनलेस समवन हैज अ वेरी कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम। अगर किसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है देन वो हो सकता है, और वैसी कंडीशन आपको कुछ बीमारियों के अंदर होती है, HIV is one of the condition जहाँ पे you will have a compromised immune system, right? Or else वो नहीं होगा, or else एक बार हुआ वापस आपको होते हुए आपको नहीं मिलेगा। पता चली मेरी बात तनिष? Yes sir, right? So that is what you find happening over here.
तो ये बात याद रखना. सो वी हैव डन दिस एचआईवी, वी हैव डन दिस हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पस, जेनिटल वार्ट्स, एंड देन गोनोरिया. याद रखना गोनोरिया एंड योर सिफिलिस आर द डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. बैक्टेरिया से अगर हो रहा है तो उसे आप ट्रीट कर सकते हो, बैक्टेरिया से हो रहा है तो उसे आप एंटीबायोटिक यूज कर सकते हो. सिफिलिस के साथ ये बात याद रखना कि अगर इसे ट्रीट नहीं करें देन इट कैन हैव अ सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस. उसके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े सीवियर हो सकते हैं बिकॉज आई हैव टोल्ड यू एक स्टेज पे तो इट कैन कॉज द ब्रेन डैमेज. सो दैट्स वन थिंग राइट. तो यहां तक रखते हैं, इस चीज को यहां तक रखते हैं. वी स्टिल हैव टू कवर फ्यू, वी हैव टू स्टिल टॉक अबाउट फ्यू बीमारियां लाइक यहाँ पे लाइक योर क्लैमिडियासिस हमें बात करना है, एंड वी हैव टू डिस्कस ट्राइकोमोनियासिस. दीज आर टू कंडीशंस वी हैव टू डिस्कस, मतलब उनके नाम साइंटिफिक नाम हमें यहाँ पे देखने हैं. एंड वंस यू आर डन विद दैट देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप इतना पढ़ लो, एनसीईआरटी से भी इतना पढ़ लो. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ना एक स्पेसिफिक चीज मेंशन की हुई है. उन्होंने बोला है कि अगर एसटीडी होता है किसी प्रेग्नेंट लेडी को तो उससे क्या हो सकता है. राइट, सो वी विल आल्सो डिस्कस दैट एज वेल कि कोई प्रेग्नेंट है अगर उसे एसटीडी होता है देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. राइट, सो वी विल आल्सो डिस्कस दैट एज वेल बिकॉज उससे इट कैन लीड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी और इट कैन लीड टू नंबर ऑफ अदर थिंग एज वेल. सो वी डिस्कस दैम एज वेल, बट या विल बी डूइंग दैट इन द नेक्स्ट क्लास. राइट, तो आज की क्लास में हमने हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव कवर किए, वी हैव डन द एमटीपीज एंड वी आर डूइंग राइट नाउ एसटीडीज. राइट, अगली क्लास में जब मैं आपको मिलूंगा तो ये हमारा खत्म हो जाएगा और हम इवन स्टार्ट कर चुके होंगे इनफर्टिलिटी वाला टॉपिक, वो शायद खत्म भी हो जाएगा. राइट, सो इफ एवरीथिंग गोज राइट वी विल बी एबल टू कवर द टॉपिक चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, तो ये नीट के कुछ क्वेश्चन है आपके यहाँ पे लगा कर रखे मैंने आपके लिए, आप इन्हें एक बार फिर अपने एंड से एक बार ट्राई करना सॉल्व करने का एज अ होमवर्क. ठीक है, एंड जैसे इसका आंसर बता दो मुझे 20, देख लो आराम से, टेक योर टाइम, देख लो इस क्वेश्चन को एंड देन टेल मी हैंड रेज करके कि एबीसीडी क्या आंसर इसके अंदर हो सकता है. Select the option including all sexually transmitted disease. So take your time, take your 30 seconds and then raise your hand. तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हो, आसान सवाल है. आपको बताने कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको सबके अंदर आपको एसटीडी आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सो बताइए आकाश, क्या लग रहा है इसके अंदर आंसर? आकाश की आवाज नहीं आती है. आकाश यू हैव टू बी स्लाइटली लाउडर. ठीक है, आयुष आपका क्या होगा इसमें आंसर? सर ऑप्शन ए. पूजा आपको क्या लग रहा है? सर ए. प्रिंस आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. शिखा? सर ऑप्शन ए. यस, ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर. गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, ये तीनों आपके यहाँ पे एसटीडी है. अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी के अंदर मलेरिया कहीं से भी एसटीडी नहीं होता, सो दैट्स अनट्रू. फिलेरिया, मलेरिया यहाँ पे दोनों ये आपके एसटीडी यहाँ पे नहीं होते, सो दैट इज व्हाई ये भी अनट्रू होगा. और कैंसर कभी भी आपका एसिडी नहीं होता. राइट, सो ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर. सो इसलिए हम एसिडीज इसलिए पढ़ते बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चन कमिंग बेस्ड ऑन देम. राइट, तो ऐसे भी अच्छा अब ये वाला अगर आपके सामने क्वेश्चन आया ये भी कर सकते हो, ये भी हैंड रेज कर लो इसके लिए भी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडी इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल. इसमें से कौन सी एसटीडी आपके यहाँ पे जिसको हम क्योर नहीं कर सकते, व्हिच इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल, ये भी आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे. अभी अभी हमने इसे किया था. सो बताइए सतीश कुमार, बताइए क्या होगा इसका आंसर? उन्होंने गलती से हैंड रेज कर दिया था. खुशी बताओ क्या होगा इसका आंसर? खुशी सर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी कह रहे हो आप? खुशी. सना आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. ऑलराइट, पीयूष आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी. पीयूष को ऑप्शन डी आप लग रहा है? सर ऑप्शन डी. ठीक है, और बाकी लोगों को क्या लग रहा है वैसे बता दो. सर ऑप्शन बी. सर ऑप्शन सी. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी सी नहीं होगा. सी तो मैंने बोला था ना, जेनिटल हर्ब जो हो रहा है आपका ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस से, इसको आप ट्रीट नहीं, इट इज नॉट क्यूरेबल, इट इज नॉट क्यूरेबल. सो इट इज नॉट समथिंग व्हिच कैन बी ट्रीटेड ओवर देयर. क्लैमिडियासिस आपने नहीं सुना है बट ये भी आपका बैक्टीरिया से ही होता है, सो दैट इज वाई इट इज गोइंग टू बी समथिंग व्हिच कैन बी ट्रीटेबल. और गोनोरिया भी आप जानते होता है आपके बैक्टीरिया से, और मैंने वार्ट्स को लेके आपको ऑलरेडी बताया था कि ये ट्रीटेबल है. ये आपका हो रहा है आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, बट इट इज ट्रीटेबल. सो ऑप्शन डी बन गया था. ऐसे मत करो, माइनस 5 हो जाते फिजूल में. यू हैव टू गो फॉर ऑप्शन डी ओवर हियर. ठीक है, ठीक है, पढ़ लेना एक बार अपने एंड से ध्यान से एंड देन यू शुड बी एबल टू आंसर दिस. सो दीज आर द क्वेश्चन, यू कैन हैव अ लुक एट देम लेटर. राइट, इसको कंप्लीट करेंगे फिर हम एक बार फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. राइट, so yeah that's it from my end. now if you have any queries or सवाल या कोई question है आपके सामने then पूछिए. if you have any questions over here, आपका lecture यहाँ पे खत्म होता है. now if you have any queries then please go ahead and ask your questions.
All right. So tell me if you have any kind of questions. हाँ जी, hand raise कर लो या directly. हाँ जी, खुशी बताइए क्या सवाल है आपका? आपका hand raise है. सर एक बार HIV समझा दीजिए दोबारा. HIV हम आपको